गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 14 इन ईवीएस टाइम एंड डायरेक्शंस आज हम ईवीएस में चैप्टर 14 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड डायरेक्शंस ये चैप्टर टाइम और डायरेक्शंस के बारे में है और मिकी और मिनी जो हैं वो सबसे पहले कुछ बातें कर रहे हैं तो हम वो देखते हैं सबसे पहले हम पिक्चर में देख सकते हैं कि मिनी के हाथ में कुछ है और उसे देखकर कर मिनी मिकी पूछता है कि वॉट आर यू होल्डिंग इन योर हैंड यानी कि मिकी मिनी से पूछता है कि तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है तो मिनी कहती है इट इज़ अ मैप इट विल शो मी द डायरेक्शन्स टू रीच माई आंट्स हाउस यानी कि ये एक मैप है और ये मुझे मेरी आंट के घर तक जाने के लिए डायरेक्शंस बताएगा तो मिनी कहता है हाउ विल इट शो यू द वे यानी कि ये तुम्हें किस तरह से रास्ता बताएगा तो मिनी कहती है कि इट इज़ एरोज फॉर राइट लेफ्ट डिरेक्शंस मार्क ऑन इट यानी कि इस पर जो है डिरेक्शंस दिखाने के लिए एरोज बने हुए हैं तो मिकी कहता है कि वाओ दैट इज सो कन्वीनियंट यानी ये तो बहुत अच्छा है तो ये चैप्टर जो है इसमें डिरेक्शंस के बारे में बात की गई है और टाइम के बारे में कहा गया है पेव द वे एट वॉट टाइम डू यू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपको क्लॉक्स के पिक्चर दिए हुए हैं और आप किस टाइम पे कौन सी एक्टिविटी करते हैं वो हैंड्स आपको इन क्लॉक्स पे ड्रॉ करने हैं सबसे पहले है गेट अप इन द मॉर्निंग उसके बाद गो टू तो स्कूल फिर गो टू तो प्ले इन द इवनिंग और लास्ट में स्लीप एट नाइट यानी कितने बजे आप कौन सी एक्टिविटी करते हैं वो टाइम आपको इन क्लॉक्स पे ड्रॉ करना है सन हेल्प्स अस टू नो द टाइम व्हेन द सन राइजेस इट इज मॉर्निंग इट इज टाइम टू गो टू स्कूल वी रिटर्न फ्रॉम स्कूल इन द आफ्टरनून वन द सन सेट्स इट इज़ इवनिंग यानी कि सन जो है वो टाइम जानने में हमारी मदद करता है जब सनराइज़ होता है वो मॉर्निंग टाइम होता है इस टाइम हम स्कूल जाते हैं और जब हम स्कूल से वापस आते हैं तो वो कौन सा टाइम होता है वो होता है आफ्टरनून यानी कि आप दोपहर में स्कूल से वापस आते हैं और जब सन होता है तब इवनिंग हो जाती है वी गो टू प्ले इन द इवनिंग वेन द मून शाइन्स इट इज़ नाइट इट इज़ टाइम टू गो टू बेड एंड एंड द डे यानी कि शाम को हम खेलते हैं और जब रात को हम देखते हैं कि आसमान में आ, मून हमको दिखाई देता है तब क्या हो जाता है तब रात हो जाती है ये ऐसा समय है जब हम सोने चले जाते हैं और अपना दिन ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर हमें दो पिक्चर्स दिए हैं एक मॉर्निंग और एक नाइट यानी कि हम मॉर्निंग में जागते हैं और रात को हम सो जाते हैं क्लॉक ऑल्सो हेल्प्स अस टू नो द टाइम अ क्लॉक हैज़ अ फेस एंड टू हैंड्स द स्मॉल हैंड इज़ द आवर हैंड एंड द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड यानी कि क्लॉक से भी हम टाइम जान सकते हैं क्लॉक का एक फेस होता है और एक क्लॉक यानी के घड़ी के अंदर टू हैंड्स होते हैं एक आवर हैंड होता है और एक मिनट हैंड होता है द अर्थ स्पिनस लाइक अ टॉप द पार्ट ऑफ द अर्थ दैट फेसेस द सन हैज डे एंड द अदर पार्ट हैज नाइट यानि कि यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी है हम देख सकते हैं कि जो अर्थ है वो हमेशा गोल घूमती रहती है और जब अर्थ गोल घूमती है तो जो हिस्सा सन के सामने होता है उस जगह पे वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा सन को फेस नहीं कर रहा होता वहाँ पर रात होती है यहाँ पर हमें एक्टिविटी दी है कैन यू नेम यानी कि आपको कोई भी कैलेंडर इसके लिए चाहिए तो आप कैलेंडर में देखिए और सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखने हैं वीक डेज यानी कि एक वीक में कौन से दिन होते हैं वो सभी फिर नेम्स ऑफ मंथ्स यानी कि जो ट्वेल्व मंथ्स होते हैं उनके नेम्स लिखने हैं उसके बाद उन मंथ्स के नेम लिखने हैं जिनमें थर्टी डेज हैं और बाद में उन मंथ्स के नेम्स लिखने हैं जिनमें थर्टी वन डेज हैं तो एक कैलेंडर देखकर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं कैलेंडर अस द डेट्स एंड डेज इन डिफरेंट मंथ्स यानी कि कैलेंडर के हेल्प से हम डेज डेट्स और मंथ्स के बारे में जान सकते हैं नेक्स्ट इज टाइम टू पॉज राइट योर डेली रूटीन यानी कि यहाँ पर आपके डेली रूटीन की कई एक्टिविटीज़ दी हैं आप इन एक्टिविटीज़ को कितने बजे करते हैं वो टाइम आपको यहाँ पर लिखना है नेक्स्ट इज डशंस देर आर फोर मेन डिरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट यानी कि डिरेक्शंस यानी कि दिशाएँ तो मेनली चार डरेक्शन्स होती हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट

सेट होता है लुक अराउंड योर सेल्फ इन द क्लास विच चाइल्ड इज़ इन फ्रंट ऑफ यू हु सिट्स एट योर बैक एंड डैश सिट्स एट योर राइट एंड डैश ऑन द लेफ्ट यानी कि कौन सा स्टूडेंट आपके इन फ्रंट यानी कि आपके सामने बैठता है कौन आपके पीछे कौन आपके राइट और कौन आपके लेफ्ट बैठता है ये आपको यहाँ बताना है नेक्स्ट इज लोकेटिंग प्लेसेस डिरेक्शंस अस टू लोकेट डिफरेंट प्लेसेस मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ प्लेस शोन ऑन अ फ्लैट सरफेस द टॉप ऑफ द मैप शोज नॉर्थ डिरेक्शन एंड बॉटम ऑफ द मैप शोज साउथ डिरशन east is on the right, whereas west is on the left. Maps have symbols to show different places like temple, bridge, school, etc. They help in locating places easily. yani ki directions तो हमें पता चल गए, लेकिन हम किसी place को map पर locate कैसे कर सकते हैं? तो अलग अलग places को एक मैप के ऊपर लोकेट यानी कि ढूंढने के लिए हमें डायरेक्शंस का यूज़ करना पड़ता है मैप क्या होता है मैप जो है वो अर्थ की एक ड्राइंग है जिसके ऊपर अलग अलग प्लेसेस जो है वो दिखाए जाते हैं एक मैप का जो टॉप का हिस्सा है यानी कि ये ये नॉर्थ डायरेक्शन है जो बॉटम का हिस्सा है वो साउथ डायरेक्शन है जो यहाँ पे राइट में होता है वो ईस्ट डायरेक्शन है और ये जो लेफ़्ट है ये वेस्ट डायरेक्शन है तो यहाँ से हम अलग अलग प्लेसेस कौन सी डायरेक्शन में हैं वो देख सकते हैं मैप्स के ऊपर अलग अलग प्लेसेस ढूंढने के लिए कुछ एक सिंबल्स भी बने होते हैं जैसे टेम्पल ब्रिज स्कूल रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक एक्सेट्रा फन एक्टिविटी शो विथ डायरेक्शंस, हाउ टू रीच द नियर बाय मार्केट फ्रॉम योर हाउस प्रिपेयर एंड प्रेजेंट इट ऑन ए फोर शीट अ क्विक रिक सन एंड क्लॉक हेल्पस टू नो द टाइम यानी कि टाइम जानने के लिए सन और क्लॉक हमारी हेल्प करते हैं इट इज़ मॉर्निंग व्हेन द सनराइजेज़ एंड नाइट द सन सेट्स। अ कैलेंडर टेल्स द डेट्स एंड डेज यानी कि जब सनराइज होता है तो वो मॉर्निंग होती है और सनसेट होता है तो नाइट कैलेंडर हमें डेट्स और डेज बताता है नॉर्थ साउथ

बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिनसे अलग अलग प्लेसेस दिखाए जाते हैं